उज्जैन ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू एसपी राजेश रघुवंशी ने बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सहित क्रेडिट मैनेजर और 13 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया है। गमन का है मामला करीब 4,56,00,000 रुपए का है। वेयरहाउस की रिसिप्ट के द्वारा फर्जी तरीके से लोन लिया गया। आरोपियों में बैंक अधिकारी, वेयरहाउस मालिक सहित 11 फर्मों के मालिक शामिल हैं। उज्जैन में बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर वेयरहाउस संचालक और संस्थाओं के मालिक ने बैंक को ही 4,56,93,000 रुपए की चपत लगा दी। दरअसल मामला वर्ष 2016-17 का है। उज्जैन कृषि उपज मंडी की 11 फर्मों ने मिलकर इंदौर रोड स्थित नीलकृष्ण वेयर हाउस में अनाज रखना बताया और वेयर हाउस रिसिप्ट पर लोन ले लिया। यह लोन बैंक ऑफ इंडिया की सेठी नगर शाखा से लिया गया। जिन संस्थाओं ने बैंक से लोन लिया उसमें से कई संस्थाएं तो केवल कागजों पर ही चल रही है। संस्थाओं के ऑफिस के पते भी फर्जी हैं, तो कुछ संस्थाओं ने निजी मकानों पर ही बोर्ड लगा रखा है। इस घोटाले का मुख्य सरगना वेयर हाउस संचालक किशोर कुमार जायसवाल को बताया जा रहा है। वेयर हाउस संचालक ने अपने ही नौकर और परिजनों के नाम पर ही कई फर्जी फर्म बनाई है और लोन लिया है। लोन की इस संपूर्ण प्रक्रिया में बैंक के अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। इस घोटाले की शिकायत दिनांक 2 फरवरी 2019 को बैंक के वर्तमान मैनेजर ने शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया था और भ्रष्टाचार के दस्तावेज व सबूत जुटाकर आज प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालिक मैनेजर अनिल जैन, क्रेडिट मैनेजर विक्रांत, वेयरहाउस मालिक किशोर कुमार जायसवाल सहित सभी दोषी फर्मों के संचालकों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।